सकारात्मक सोच, जनहितकारी निर्णय और उनका प्रभावी क्रियान्वयन ही एक संवेदनशील और समर्पित लोक सेवक की पहचान और उसकी लोकप्रियता का मानक होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरक नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास करने का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए राज्य सरकार भी प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है। पदभार ग्रहण करते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन उपयोगी फैसलों की एक श्रृंखला सी प्रारंभ कर दी। लोक कल्याण संकल्प पत्र में जनता से किए गए वादे जमीन पर मूर्त रूप लेने लगे हैं। प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इन्हें जनता की खुशहाली के प्रति समर्पित किया। गांव, गरीब, किसान एवं नौजवान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल हैं और किसानों की कर्ज माफी का ऐतिहासिक निर्णय उनकी इसी प्राथमिकता का एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2016 तक प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को दिए गए ऋण का लंबित अवशेष लगभग 36,000 करोड़ रुपए माफ करने का अभूतपूर्व निर्णय लिया। योजना से प्रदेश के 86 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। सरकार ने जो कुछ किया है हम ग्रामवासियों के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा किया। 1 लाख कर्जा माफ किया, उसके लिए धन्यवाद। अब हर किसानों को लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिले, इस उद्देश्य से वर्तमान रबी खरीद वर्ष में गेहूं की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 रुपए प्रति कुंतल तय किया गया। इसके अलावा लदाई एवं ढुलाई के लिए 10 रुपए प्रति कुंतल प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार राज्य सरकार किसानों से गेहूं 1635 रुपए प्रति कुंतल की दर से खरीद रही है। क्रय केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाकर 5,000 किया गया और गेहूं क्रय की सीमा को बढ़ाते हुए 80 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। क्रय केंद्रों को 1 अप्रैल 2017 से सक्रिय किया गया ताकि किसान को समर्थन मूल्य से नीचे गेहूं बेचने के लिए बाध्य ना होना पड़े। आज प्रदेश के किसानों के चेहरों पर अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेच पाने की खुशी और संतुष्टि है। उनमें ये भावना प्रबल हुई है कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उनके हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1625 खरीद मूल्य रखा है, इससे मुझे बहुत आ रहा है, लाभ मिल रहा है। पहले मैं बिचौलियों के माध्यम से मजबूर होकर अपना गेहूं बेचना पड़ता था मुझे, परंतु अब मुझको ये पूरी सुविधा मिल गई है। अब मैं डायरेक्ट 1625 रुपए का लाभ पा रहा हूँ, 10 रुपए ढुलाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हमेशा से एक चुनौती रही है। पूर्व में इससे निपटने के लिए दावे तो बहुत किए गए मगर जनता को कोई राहत नहीं मिली। इसके विपरीत वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश को बिजली के संकट से छुटकारा दिलाने के लिए कितनी गंभीर है, उसका आंकलन इसी से किया जा सकता है कि कार्यभार ग्रहण करने के कुछ दिनों के भीतर ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 24/7 पावर फॉर ऑल सहमति पत्र हस्ताक्षरित कर दिया गया ताकि एक निश्चित समय अवधि में पूरे प्रदेश में 24 घंटे सुचारू विद्युत आपूर्ति की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्दों में, पावर फॉर ऑल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की सोच का साकार रूप है, जहां विकास की कतार में खड़े अंतिम आदमी को बिजली की आधारभूत सुविधा प्राप्त हो रही है, जनता को तत्काल बिजली संकट से राहत मिले, इस उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज से हम लोगों की कार्रवाई प्रारंभ हुई कि हर जिला मुख्यालय 24 घंटे बिजली से युक्त होगा, हर तहसील मुख्यालय पर 20 घंटे बिजली मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की बिजली हम आज से प्रारंभ करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होगा। इसके अंतर्गत अब जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
राज्य सरकार के इस फैसले से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित होने लगा है। किसान को कृषि कार्य में सुविधा हो रही है, वहीं दूसरी ओर उद्योग जगत और सर्विस सेक्टर भी इस निर्णय से लाभान्वित हुए हैं। कृषक हित में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए किसानों के निजी नलकूप के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को विभागीय वाहन से 48 घंटे में बदलने की व्यवस्था की है। सड़क विकास का महत्वपूर्ण आधार है। सरकार ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। 15 जून 2017 तक राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। पूरे प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 2,25,885 किलोमीटर है, जिसमें 7,147 किलोमीटर राज्य मार्ग, 7,637 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग, 48,006 किलोमीटर अन्य जिला मार्ग तथा लगभग 1,63,035 किलोमीटर ग्रामीण मार्ग हैं। इतनी विशाल संख्या में ग्रामीण सड़कों के गड्ढा मुक्त हो जाने पर प्रदेश की लगभग 15 करोड़ ग्रामीण आबादी को काफी सुविधा होगी। वह दिन अब दूर नहीं जब किसान अपनी उपज आसानी से मंडी तक पहुंचा सकेगा। उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी गन्ना उत्पादक राज्य है, परंतु गन्ना किसानों को समय पर भुगतान न मिलना हमेशा से किसानों के लिए एक बड़ी समस्या रहा है। चीनी मिल मालिकों द्वारा भुगतान में देरी तथा अन्य भ्रष्टाचार गन्ना किसानों का मनोबल तोड़ रहे थे, परंतु उत्तर प्रदेश की नवगठित सरकार ने इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए पेराई सत्र 2016 और 17 के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को प्रत्येक दशा में करने का निर्देश दिया। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एक साथ 2 वर्षों के लिए प्रदेश में लागू करने का फैसला लिया है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की आवासीय योजनाओं का भरपूर लाभ प्राप्त करने का निर्णय लिया है। गंगा सहित प्रदेश की सभी नदियां स्वच्छ और प्रदूषण रहित बने, इस उद्देश्य से प्रदेश की नवगठित सरकार ने भारत सरकार की नमामि गंगे योजना से अधिकाधिक परियोजनाओं को जोड़ने का फैसला भी लिया है। इन सभी प्रमुख योजनाओं के साथ ही वर्तमान सरकार ने विगत दिनों में अनेक जन उपयोगी फैसले लिए हैं। चुस्त दुरुस्त प्रशासनिक व्यवस्था और पर्यटन को बढ़ाने तथा बुंदेलखंड को विकास के प्रति समर्पित ये फैसले प्रदेश सरकार के विकास एजेंडे का एक अहम हिस्सा है। आइए क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं इन फैसलों के बारे में। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के आर्थिक अनुदान को 2 गुना करते हुए प्रति तीर्थ यात्री 1,00,000 रुपए करने के निर्णय के साथ ही गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन बनाने का फैसला लिया गया। सभी विभागों को श्वेत पत्र जारी करने, 100 दिनों के लिए बनाई गई कार्य योजना को गंभीरता से लागू करने एवं निर्धारित समय के बाद कार्य योजना की प्रगति की पुनः समीक्षा करने का निर्णय। सभी जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अपने कार्यालयों में प्रातः 9 से 11 बजे उपस्थित रहने के निर्देश। बायोमेट्रिक्स व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति मॉनिटर करने, आवश्यकता अनुसार सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराने का निर्देश। वीआईपी संस्कृति को खत्म करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए राज्य में लाल एवं नीली बत्ती के प्रयोग को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय। प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को गतिशील बनाने तथा सीधे जनता से फीडबैक प्राप्त करने के लिए मंत्रियों को जनपद प्रभारी बनाया गया। प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों को रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में गौवंश की तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए इस पर प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश पुलिस विभाग को दिया गया है।
प्रदेश के सभी नगर निगमों में गौवंश के संरक्षण हेतु गौशालाओं की स्थापना का प्रयास, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स स्थापित करने का फैसला, भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा की गई सरकारी जमीनों को मुक्त कराने का अभियान शुरू, शासकीय निजी भूमि भवनों पर अवैध कब्जों की शिकायतों हेतु राजस्व परिषद को वेब पोर्टल बनाने के निर्देश, बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने करीब 47 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें क्षेत्र के सभी 7 जनपदों में पहले से स्थापित 3,815 हैंडपंप्स की रिबोरिंग तथा 1,174 नए हैंडपंप्स की स्थापना शामिल है। इसके साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र में पाइप पेयजल परियोजनाओं के विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 6.5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र में पेयजल की गंभीरता को देखते हुए ग्राम्य विकास राज्य मंत्री को आवश्यकता अनुसार कैंप कर योजनाओं को त्वरित गति प्रदान करने के लिए कहा गया है। विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र को दिल्ली से 6-लेन एक्सप्रेस वे के माध्यम से जोड़ने का काम किया जाएगा। प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें शिक्षा सत्र के प्रारंभ में 1 से 10 जुलाई के बीच अध्ययनरत छात्रों को यूनिफॉर्म, जूते, पाठ्य पुस्तकों एवं बैग का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। बाल विकास एवं पुष्टाहार सेवा के तहत कुपोषित बच्चों को बंद पैकेट में पोषाहार उपलब्ध कराने के निर्देश, बाढ़ नियंत्रण से संबंधित परियोजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूरा करने के सख्त निर्देश, अर्धकुंभ 2019 के संचालित विभिन्न परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में अक्टूबर 2018 तक पूरा करने के निर्देश, प्रदेश की विशाल आबादी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला चिकित्सालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा रही है। नगरीय क्षेत्रों में पर्याप्त प्रसाधन व्यवस्था एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गंभीरता से प्रयास शुरू किया गया है। विभिन्न कार्यों को ई टेंडरिंग के माध्यम से कराने तथा यातायात की सुविधा के लिए सिटी बस व्यवस्था को प्रभावी बनाने का फैसला किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण रोकने के लिए एक प्रभावी फेरी नीति को बनाकर लागू करने का काम किया जाएगा। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने एवं वर्तमान सड़कों को गुणवत्ता परक बनाने का कार्य शुरू किया गया है। 5,000 किलोमीटर मार्गों को नेशनल हाईवे बनाए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। सड़कों के निर्माण में गुंडे, माफिया एवं अपराधी ठेकेदारों पर अंकुश लगाते हुए कम लागत में मजबूत सड़कों के निर्माण की तकनीक और पर्यावरण संरक्षण पर फोकस किया जाएगा। नगरीय यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रदेश के बड़े नगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं को संचालित करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झांसी नगरों में भी मेट्रो रेल संचालन के लिए DPR तैयार कराया जा रहा है, जबकि कानपुर नगर की मेट्रो रेल परियोजना का DPR पहले से ही तैयार कराकर परियोजना की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, चित्रकूट, वाराणसी तथा नैमिषारण्य आदि धार्मिक स्थलों के साथ साथ 3 पर्यटक सर्किट, राम सर्किट, कृष्ण सर्किट तथा बुद्ध सर्किट को विकसित किया जाएगा। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत आगरा, लखनऊ, वाराणसी एवं लखनऊ इलाहाबाद गोरखपुर को सम्मिलित कर सस्ती वायु सेवा प्रारंभ की जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शती वर्ष में वर्तमान सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता का अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त हुआ है। श्रद्धेय उपाध्याय जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रदेश की नवगठित सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रयास कर रही है।
इससे राज्य की जनता को ये भरोसा हो गया है कि सुशासन और विकास से अंत्योदय लाने का लक्ष्य निश्चित तौर पर पूरा होगा।